सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वृंदावन का ठाकुर एक बार बताया क्या आपको, यहाँ भी आए साक्षी गोपाल बनकर के आज भी विराजमान है, वो वृंदावन के ठाकुर ही हैं, साक्षी गोपाल। हाँ, वो साक्षी देने के लिए आए थे। यहाँ के कोई पंडित जी थे महाराज, वो दर्शन करने के लिए गए, तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। तो जब तीर्थ यात्रा करने के लिए गए तो साथ में कोई एक बालक भी उनके था, ब्राह्मण बालक। पंडित जी चलते चलते जब वृंदावन पहुंचे तो महाराज बीमार हो गए, उल्टी हो गए, दस्त हो गए, महाराज लूज मोशन, भयंकर बीमार हो गए। उस ब्राह्मण बालक ने उनकी बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। तो ब्राह्मण बालक ने मन में सोचा, भाई ये तो बेटे से बढ़कर के सेवा कर रहा है और जो सेवा करे वही बेटा, तो मैं क्या करूं, क्या दूं? तो उन्होंने उस बालक से कह दिया कि बेटा, मेरी एक बेटी है और मैं तुझे इन गोपाल जी के सामने वचन देता हूं कि उस बेटी का विवाह मैं तुम्हारे से करूंगा। उस ब्राह्मण बालक ने कहा, बोले बाबूजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है मैंने आपकी, अरे बेटा तूने बहुत सेवा की। बोले सेवा, अरे ठीक है सेवा कर दी मैंने, पर आप, अरे नहीं बेटा तू जैसा बेटा मुझे कहाँ मिलेगा, मैंने वचन दे दिया मेरे बेटी। अब महाराज वहां तो बात कह दी, और वहां बात कहने के बाद में जब वो अपने घर में आए तो घर वाले बेटा बहूर पत्नी सब पीछे पड़ गए। अच्छा, ऐसे गली चलते किसी को अपनी बेटी दे दोगे? ये कोई सब्जी है? ये कोई सामान है जो किसी को भी दे दोगे आप? है ये रिश्ते हैं? रिश्ते रिश्ते ऐसे नहीं होते। अब बेचारे पंडित जी के घर में नहीं चली। वो ब्राह्मण बालक आया, हाँ पंडित जी वचन तो वचन, बोले मुझे आपकी बेटी के विवाह से कोई मतलब नहीं है, पर आपने श्री धाम वृंदावन में इस बात का वचन दिया और अगर वचन आपका पूरा नहीं होगा तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ तीर्थ यात्रा करके आए और आप नरक में जाए। इसलिए अब महाराज घरवालों ने पंचायत बिठा दी। ये सच्ची घटना है ये, यहाँ की घरवालों ने पंचायत बिठा दी। और पंचायत में महाराज ये कहा गया कि देखो, हमारे पिताजी उस समय होश आवास में नहीं थे, बीमार थे। एक स्वयं कह रहा है भाई मैंने उनकी सेवा की। बोले हाँ सेवा की, बीमार तो थे। तो जो आदमी बीमार है होश आवास में नहीं हो तो कुछ भी बोल दे, कुछ भी बक दे, उसकी कोई बात का थोड़ी हो, कुछ होता है। उसने कहा कि देखो, घर वालों ने कहा कि देखो भाई, इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, कोई गवाह नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। पंचों ने कहा, भाई तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये कह सके कि भाई इस ब्राह्मण ने होश आवास में ये बातें कही थी? ये तो भाई बीमार था। वो ब्राह्मण बालक कहता, नहीं बीमार सही हो गए थे तब इन्होंने ये बात कही थी, का इस बात का कोई गवाह है तुम्हारे पास? तो उन्होंने मन में सोचा, हम थे, ये बाबूजी थे, तीसरे तो गोपाल जी थे। बोले हाँ हाँ, तीसरा गवाह है हमारे पास में, गोपाल जी हैं। तो पंचों ने कहा, ठीक है अपने गोपाल जी को बुला के ले आओ, जाओ। और गोपाल जी जब बुला के लाओगे तुम, गोपाल जी आएंगे तो हम तुम्हारी बात को सत्य मान लेंगे। अब महाराज वो बालक बेचारा पैदल चलते चलते वापस वृंदावन पहुंचा और उन गोपाल जी के चरणों में बैठ करके कहा, हे गोपाल, मैंने उस ब्राह्मण बालक, मैंने उस ब्राह्मण देवता की सेवा की, मुझे उनकी बेटी से विवाह का कोई मन नहीं था, कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब बात की बात हो गई है। अब तो वो ब्राह्मण व्यर्थ में बेचारा परिवार के दबाव में ना कर रहा है और उसे नरक में जाना, हे ठाकुर आप ही चल करके गवाही दे दो। भगवान बोले, अरे ब्राह्मण बालक, तुमने कभी मूर्ति को चलते हुए देखा है? जो मैं चल करके, मैं तो मूर्ति हूं, मैं कैसे गवाही देने के लिए जाऊंगा? अरे मैं गवाही देने के लिए बता कैसे, मैं तो मूर्ति हूं, मूर्ति कभी चली है? तो वह ब्राह्मण बालक बोला, बोले महाराज मूर्ति तो कभी बोली भी नहीं है पर आज बोल रही है। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि मूर्ति नहीं चलती देखी हमने, ठीक है नहीं देखी, पर मूर्ति तो बोलती भी किसी ने नहीं देखी। तो जो मूर्ति बोल सकती है वो मूर्ति चल भी, इसलिए महाराज भगवान बोले, हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। फिर कहा कि देखो भाई, तुम मेरे को क्यों लेकर के जा रहे हो, छोड़ो ना, और बहुत कन्याएं हैं, मैं तुम्हारा विवाह करवा दूं, मैं यहीं तुम्हारा विवाह करवा दूं।
उसने कहा नहीं महाराज, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे विवाह से कोई मतलब नहीं है, बस उस ब्राह्मण की बात रहनी चाहिए। वृद्धा अवस्था में उस ब्राह्मण का जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो महाराज गोपाल जी कहने लगे कि देख बेटा, बात ऐसी है, मैं कोई ऐसा वैसा ठाकुर तो हूं नहीं, मैं तो माल वाल खाने वाला ठाकुर हूं, मलाई खाने वाला ठाकुर हूं। अब मेरे को सवा शेर का भोग चाहिए, अब बता तू मेरे सवा शेर के भोग की व्यवस्था करेगा? बोले हाँ महाराज करूंगा। कैसे? बोले मैं चाहिए कहीं से करूंगा, आपके सवा शेर के भोग की व्यवस्था करूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, देख ले, रोज सवा शेर का भोग मेरे लिए व्यवस्था करेगा और तू आगे आगे चलेगा, मैं पीछे पीछे चलूंगा। और ध्यान रखना, पीछे मुड़ के मत देखना, जहां पीछे मुड़ करके देखेगा बस मैं वहीं रह जाऊंगा। तो भगवान की बात सुनकर के वो बालक बोला, बोले प्रभु वो बात तो ठीक है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, पर आप कहीं आए नहीं तो मैं तो अकेला अकेला मेरे गांव पहुंच जाऊंगा और आप यहीं के यहीं रह जाओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आ रहे हो? तो भगवान ने कहा जो मेरे पैरों में पैजनिया है ना, वो महाराज बजती जाएगी छन 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 छन, तो सोच लेना कि मैं पीछे आ रहा हूं। अब महाराज वो गोपाल जी वहां से साक्षी देने के लिए चले, इसलिए उनका नाम हो गया साक्षी गोपाल। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय। साक्षी गोपाल श्री धाम वृंदावन से चले और चलते 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 जब जगन्नाथपुरी के पास में ही आए तो उस बालक ने मन में सोचा, पायल तो इतनी सुंदर मधुर बज रही है, एक बार पीछे मुड़ करके देख तो लूं चलते हुए भगवान लगते कैसे हैं। अब मन बार बार कर रहा था लेकिन महाराज वो बोल नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे, कहीं रह गए तो नाराज हो गए। तो फिर मन में सोचा अब तो पास में ही है, कोई बात नहीं, रह जाएंगे तो जो होगा देखा जाएगा, एक नजर तो कम से कम मार लूं कि भगवान छन छन पायल बजाते हुए चल रहे हैं, तो चलते हुए कितनी अनुपम झांकी है, सुंदर झांकी है। और जैसे ही उस ब्राह्मण बालक ने पीछे मुड़ करके देखा बस भगवान वहीं ठहर गए, मूर्ति बन गए और कहा बेटा तूने बात तो तोड़ दी, तूने तो वादा तोड़ दिया, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। अरे बोले महाराज आप आगे नहीं जाओगे तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या हुआ? बोले जाकर के तेरे उन पंचों से बोल, इतनी दूर से मैं चल करके आ गया तो अब वो यहां से चल करके यहां तक नहीं आ सकते, जाके बोल उनको कि साक्षी गोपाल आ गए साक्षी देने के लिए। अब महाराज जब पंचों ने सुना कि वृंदावन से गोपाल जी चल करके आए, पूरा गांव दौड़ करके पहुंच गया, पंचाल लगी और महाराज उस पंचायत के बीच में साक्षी भगवान गोपाल जी ने दी है और कहा कि मेरी साक्षी में होश आवास में इस ब्राह्मण ने अपनी कन्या देने का वचन दिया था, इस ब्राह्मण बालक को मैं इसका साक्षी हूं। और जब गोपाल ने साक्षी दी तो उस ब्राह्मण बालक के साथ में उस ब्राह्मण की कन्या का विवाह है संपन्न हुआ।